मनुष्य जीवन भर अर्थात जन्म से मृत्यु तक कई तरह की उलझनों में उलझा रहता है। कभी परिवार की समस्या तो कभी गृहस्थ का बोझ, कभी अपने मान सम्मान तो कभी धन संपदा को कमाने में। न जाने मनुष्य का जीवन भर कितनी आकांक्षाएं और अभिलाषाएं हैं जो पीछा करती हैं, लेकिन मृत्यु से पहले ये सारी आकांक्षाएं और उसके बाद मोक्ष किसी तरह पूरी हो सकती है तो उसका एकमात्र रास्ता है 10 महाविद्याएं। क्या है ये 10 महाविद्या? क्या आप इनके बारे में जानते हैं? नहीं तो चलिए आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, प्रकृति की सभी शक्तियों में एवं सारे ब्रह्मांड के मूल में ये 10 महाविद्या हैं, जो प्रकृति के कण कण में समाहित हैं, और इनकी साधना से मनुष्य यह लोक ही नहीं पर लोक भी सुधार सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ में 10 अंक का सबसे ज्यादा महत्व है। जैसे संसार में दिशाएं भी 10 ही हैं, इसी तरह 1 से 10 तक के बिना अंकों की गणना संभव नहीं है। ऐसे ही ये 10 विद्याओं के बिना प्रकृति का होना भी संभव नहीं है। शास्त्रों में 10 महाविद्याओं को आदि शक्ति माता पार्वती की ही रूप मानी जाती हैं। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की शक्तियां हैं, भगवती काली और तारा देवी उत्तर दिशा की, श्री विद्या यानी षोड़शी ईशान दिशा की, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की, भगवती धूमावती पूर्व दिशा की, माता बगलामुखी दक्षिण दिशा की, भगवती मातंगी वायव्य दिशा की तथा माता श्री कमला नृत्य दिशा की अधिष्ठात्र हैं। कहीं कहीं 24 विद्याओं का वर्णन भी आता है, परंतु मूलतः 10 महाविद्या ही प्रचलन में हैं। इनके 2 कुल हैं। इनकी साधना 2 कुलों के रूप में की जाती है, श्री कुल और काली कुल। इन दोनों कुलों में 9-9 देवियों का वर्णन है, इस प्रकार ये 18 हो जाती हैं। कुछ ऋषियों ने इन्हें 3 रूपों में माना है, उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र। उग्र में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी हैं। सौम्य में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी यानी कमला हैं। तारा तथा भैरवी को उग्र तथा सौम्य दोनों माना गया है। देवी के वैसे तो अनंत रूप हैं, पर इनमें भी तारा, काली और षोड़शी के रूपों की पूजा भेद रूप में प्रसिद्ध है। भगवती के संसार में आने के और रूप धारण करने के कारणों की चर्चा मुख्यतः जगत कल्याण, साधक के कार्य, उपासना की सफलता तथा दानवों का नाश करने के लिए हुई। वहीं पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महादेव पर किसी बात को लेकर माता गौरी अत्यंत क्रोधित हो गई। कुछ समय बाद जब क्रोध से माता का शरीर काला पड़ने लगा, माता के क्रोध को कम करने के उद्देश्य से महादेव वहां से उठकर जाने लगे तो सामने दिव्य रूप को देखा। फिर जब दूसरी दिशा की ओर बढ़े तो दूसरा रूप नजर आया। बारी बारी से 10 दिशाओं में अलग अलग दिव्य दैवी रूप देखकर वह स्तंभित हो गए। तभी सहसा उन्हें पार्वती का स्मरण आया तो लगा कि कहीं यह उन्हीं की माया तो नहीं। उन्होंने माता से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके समक्ष कृष्ण वर्ण में जो स्थित है वह सिद्धिदात्री काली है, ऊपर नील वर्णा सिद्धि विद्या तारा, पश्चिम में कटे सिर को उठाए मोक्ष देने वाली श्याम वर्णा छिन्नमस्ता, बाई तरफ भोगदात्री भुवनेश्वरी, पीछे ब्रह्मास्त्र एवं स्तंभन विद्या के साथ शत्रु का मर्दन करने वाली बगला, अग्निकोण में विधवा रूपिणी स्तंभन विद्या वाली धूमावती, वायव्य कोण में मोहिनी विद्या वाली मातंगी, ईशान कोण में सिद्धि विद्या एवं मोक्षदात्री षोड़शी, और सामने सिद्धि विद्या और मंगलदात्री भैरवी रूपा मैं स्वयं उपस्थित हूँ। उन्होंने कहा कि इन सभी की पूजा अर्चना करने में चतुवर्ग अर्थात धर्म, भोग, मोक्ष और अर्थ की प्राप्ति होती है। उसके बाद महादेव के निवेदन करने पर सभी देवियां काली में समाकर एक हो गईं। आइए अब जानते हैं कि वो 10 महाविद्याएं कौन सी हैं। नंबर 1, काली। 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है।
माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। इनका स्वरूप काफी भयावह है। पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड़क, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर, यह काली एक प्रबल शत्रुहंता महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिवप्रिय चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव इनके चरणों में लेट गए थे। माँ के 10 रूपों में से काली माँ का शक्ति पीठ कोलकाता के काली घाट पर स्थित है तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़कालिका मंदिर को भी काली माँ के शक्तिपीठ में शामिल किया गया है। महाकाली का जागृत मंदिर जो चमत्कारिक रूप से मनोकामना पूर्ण करता है, गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। तारा माँ का दूसरा रूप तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा का है, जिनकी सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस जगह को नयनतारा व तारापीठ भी कहा जाता है। जबकि एक कथानुसार राजा दक्ष की दूसरी पुत्री देवी तारा थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोगी में तारा देवी का अन्य मंदिर है। हिंदू धर्म की देवी तारा का बौद्ध धर्म में भी काफी महत्व है। देवी अन्य 8 स्वरूपों में अष्ट तारा समूह का निर्माण करती हैं तथा विख्यात हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 4 भुजा 3 नेत्र वाली षोड़शी महेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली देवी हैं, जिन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। षोड़श कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण इन्हें षोड़शी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार त्रिपुरा में जहां मां सती के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे, यह शक्तिपीठ वहां स्थित है। उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर इस शक्तिपीठ में सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। इस पीठ को कूर्म पीठ के नाम से भी जाना जाता है। एहं श्री त्रिपुर सुंदरीय नमः मंत्र का जाप करने से माँ को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। मूलतः यही भगवती ललिताम्बा है। संसार के विस्तार का समस्त कार्य इन्हीं में समाहित है, यही परा कही गई हैं। भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है। महाभुवनेश्वरी की साधना के लिए कालरात्रि, ग्रहण, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी अथवा चतुर्दशी शुभ समय माना जाता है। छिन्नमस्ता इस परिवर्तनशील जगत की शक्ति छिन्नमस्ता है। इनका सिर कटा हुआ है और इनके कंबन से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी हैं। पलास और बेल पात्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन, बुद्धि, ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त होता है। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्ता के मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 79 किलोमीटर की दूरी रजप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्ति पीठों में शुमार किया जाता है। त्रिपुर भैरवी त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी,
कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्वय की देवता हैं। माता की चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इसकी साधना से शोषण कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। धूमावती। माँ धूमावती का कोई स्वामी न होने के कारण इन्हें विधवा माता माना जाता है। इनकी साधना से आत्मबल में विकास होने के कारण जीवन में निरर्थता और निश्चिंतता का भाव आ जाता है। ऋग्वेद में इन्हें सुत्रा के नाम से पुकारा गया है, अर्थात जो सुख पूर्वक तारने योग्य हो। धूमावती महाविद्या के लिए अति आवश्यक है कि व्यक्ति सात्विकता और संयम और सत्यनिष्ठा के नियम का पालन करने वाला हो तथा लोभ लालच से दूर, शराब और मांस तक को छुए नहीं। भगवती धूमावती बहुत ही उग्र हैं। भगवान शिव से भोजन मांगने पर देरी होने पर इन्होंने शिव जी को ही निगल लिया तथा उसी समय उनके शरीर से धुआं निकला और महादेव माया से बाहर आ गए और कहा, तुमने अपने पति को खा लिया है, तुम विधवा हो गई हो, अब तुम बिना श्रृंगार के रहो तथा तुम्हारा नाम धूमावती प्रसिद्ध होगा, इसी रूप में विश्व का कल्याण करोगी। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं, अतः वह कुमारी है, धन या पति रहित हैं अथवा महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हैं। बगलामुखी। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में तीन ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जिनकी साधना सप्तऋषियों ने वैदिक काल के समय पर की थी, इसकी साधना से जहां घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहीं साधक का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाता है। भारत में मां बगलामुखी के तीन ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में हैं। तीनों का अपना अलग ही महत्व है। मातंगी। मतंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली शक्ति का नाम मातंगी है। इनकी पूजा गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए की जाती है। चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली माँ मातंगी श्याम वर्ण की हैं। मातंगी माता के मंत्र का जाप स्फटिक की माला से 12 माला ओम हनी ए भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र से किया जाता है। भगवती मातंगी मातंग मुनि की कन्या के रूप में अवतरित हुई हैं। ये परिवार की प्रसन्नता तथा वाणी वाक सिद्धि देने वाली है, चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। ऐसा वर्णन है कि रति, प्राप्ति, मनोभवा, क्रिया, अनंग कुसुमा, अनंग मदना, मदनालसा तथा शुद्धा इनकी अष्ट ऊर्जाओं के नाम हैं। कमला। माता कमला को लक्ष्मी भी कहते हैं। समुद्र मंथन के समय कमलात्मिका लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इन्होंने श्री महात्रिपुर सुंदरी की आराधना की। श्री कमला के अनेक भेद हैं। ये संसार की सभी संपदा, श्री धन संपत्ति, वैभव को प्रदान करने वाली है। श्री लक्ष्मी को सर्वलोक महेश्वरी कहा है। देवी भागवत में इन्हें भुवनेश्वरी, इंद्र ने यज्ञ विद्या, महाविद्या तथा गुह विद्या कहा है। मुंड माता तंत्र में भी श्री विष्णु के दशावतार की 10 महाविद्याएं हैं, अर्थात जब जब श्री विष्णु अवतार लेते हैं तब तब माता लक्ष्मी भी उन्हीं के अनुरूप अपना शरीर बना लेती हैं। तो सिद्धांत में कृष्ण के साथ काली, राम के साथ तारा, वराह के साथ भुवनेश्वरी, नरसिंह के साथ भैरवी, वामन के साथ धूमावती, परशुराम के साथ छिन्नमस्ता और मत्स्य के साथ कमला, कूर्म के साथ बगला, बुद्ध के साथ मातंगी, कल्की के साथ शोणशी लक्ष्मी के ही विविध रूप हैं। दरिद्रता, संकट, ग्रह कलह और अशांति से मुक्ति के लिए मां कमला रानी की अर्चना की जाती है।
समृद्धि, धन, नारी, पुत्रादि की प्राप्ति के लिए इनकी साधना की जाती है। जिस पर माँ अपनी दया दृष्टि डाल दें, वो व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और समान हो जाता है। तो दर्शकों, प्रकृति के कण कण में बसी इन 10 महाविद्याओं के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।